जो काम इसको कह रहे हैं करने के लिए, वो काम आपको खुद को करना पड़ेगा। आपके अपने समाज के हक अधिकार कर लिए, लड़ाई अगर लड़ना है तो आपको खुद को मैदान में उतरना पड़ेगा। ये लोग नहीं करने वाले हैं और ये मुझे एहसास हो गया और मैंने 2018 में हमने पार्टी बनाया और जो काम ये कर सकते हैं वो जगह पे हमें पहुंचना है और हम भी वो काम कर सकते हैं, ये निर्णय के साथ हम लोगों ने पार्टी बनाया। अब मजबूती से हम लोगों ने बिहार में लड़ाई लड़ा। 2019 में परिणाम हमारे पक्ष में नहीं रहा, हम चुनाव हार गए, लेकिन हमारा हौसला नहीं हारा और हमारा एक एक निषाद का बेटा अपने पैर पे खड़ा हुआ और आगे बढ़ने का निर्णय लिया। फिर 2020 आया, 2020 में भी हमने चुनाव लड़ा और मजबूती से हमारे 4 विधायक हैं। आज बिहार में एक निषाद का बेटा, मल्ला का बेटा के सहयोग से आज बिहार में सरकार है। आज हमारी ये ताकत है बिहार में। आज भले हमारे पास 4 विधायक है, किसी के पास 74 विधायक है, तो उससे कम पावर आज आपके पार्टी के पास नहीं है। अगर 74 वाला अगर सरकार से अगर निकलेगा तो भी सरकार गिर जाएगा और 4 वाला भी अगर सरकार से निकलेगा तो भी सरकार गिरेगा। ये ताकत आपके पास है तो इस जगह पे हमने 2 साल में पहुंच गए और हर एक निषाद का बेटा खून पसीना बहा के मजबूती से अपने हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ रहा है। आज बिहार में हमारी अपनी सरकार है, मजबूती से हम गरीब समाज के लिए हर एक योजना बना रहे हैं, कल्याण का काम कर रहे हैं। मेरा मानना है देश में दो ही जात है, एक अमीर और एक गरीब, और हम सबको गरीब के साथ रहना, क्योंकि हम अब खुद एक गरीब का बेटा है। लोग कहते हैं ना, अपने दिल से जानो पराया दिल का हाल, क्योंकि मैं खुद गरीब मल्लाह परिवार में जन्म लिया, मुझे पता है कि गरीबी क्या चीज होता है और हम जब तक जिंदा रहेंगे तब गरीब समाज के लिए लड़ाई लड़ते रहेंगे, उसके हक अधिकार की बात करेंगे। लेकिन कुछ सरकार जाति विशेष को लेकर ध्यान देकर चलाती है और कहीं ना कहीं गरीब लोगों को ध्यान नहीं दे रहा है, तो कहीं ना कहीं आज हम सबको लड़ाई लड़ना है, सामान्य विचारधारा वाले लोगों को लड़ाई लड़कर अपनी नैया को पार लगाना है। साथियों, आप सबको पता है कि हम उस कुल खानदान से आते हैं, हम उनके वंशज हैं जिन्होंने श्री रामचंद्र जी को नैया पार लगाया है। आज हमारी नैया मझधार में पड़ी है और आज निश्चित तौर पर इसको पार लगाने के लिए सामाजिक न्याय वाले लोग, गरीब का बेटा ही इसको पार लगाएगा, दूसरा लोग इसको पार लगाने के लिए नहीं आएगा। इसलिए मजबूती से उत्तर प्रदेश से बिहार में मैं आया हूँ और मजबूती से उत्तर प्रदेश में मैं लड़ाई लड़ रहा हूँ, समाज के हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ रहा हूँ। साथियों, आज मैंने जब मैं बिहार में लड़ाई लड़ रहा था और उत्तर प्रदेश में हमारा ही समाज का बेटा डॉक्टर संजय निषाद जी चुनाव लड़ रहे थे मैदान में समाज के हक अधिकार के लिए, हमें बहुत खुशी होता था कि समाज का बेटा उत्तर प्रदेश में लड़ाई लड़ रहे हैं, हम बिहार में लड़ाई लड़ रहे हैं और हम दोनों मिलकर दिल्ली पे लड़ाई लड़ेंगे और अपने समाज का हक अधिकार दिलाएंगे। लेकिन उन्होंने कहीं ना कहीं पार्टी नहीं चला रहे, वो दुकान चला रहे, कहीं ना कहीं समाज को आगे नहीं बढ़ाने का काम कर रहे, कहीं ना कहीं वो अपने परिवार को आगे बढ़ाने का काम कर रहे। जब वो जेल में थे तो मैं खुद बिहार से आके गोरखपुर में उनको हमने जेल से बाहर निकालने का हमने काम किया, उनको हमने पार्टी बनाने का काम किया। उन्होंने गोरखपुर में रैली हुआ था चंपा देवी पार्क में, हमने रैली करवाया, हमने लखनऊ में रैली कराया, लेकिन समय आया तो अपने लोभ लालच में फंस गया। 2018 में एक टिकट पे साइकिल पे चढ़ जाता है, 2019 में सिर्फ बेटा को सांसद बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के गोद में जाकर बैठ जाता है और समाज का जो एजेंडा है उसको भूल जाते हैं। 2022 में जब हमें लड़ना था और बड़े बड़े पॉलिटिकल पार्टी को झुकाकर अपनी बात को मना लेते, अपने समाज को आरक्षण दिला देते, लेकिन उस समय क्या किए, सिर्फ एक MLC में वो कहीं ना कहीं बीजेपी के गोद में जाकर बैठ गए। और जब 2022 का चुनाव आया तो कुछ टिकट लेकर आज भारतीय जनता पार्टी के साथ चलाए गए और समाज को भूल गए। जो समाज के खून पसीना बहा के नौजवान साथी पार्टी को यहाँ तक लाए, उन सबको भूलकर उनको एक भी लोगों को टिकट नहीं दिया, दूसरे लोगों को टिकट देके और मैदान में उतर गए। यहाँ तक तो दूर की बात है, ये देश दुनिया में पहला ऐसा पॉलिटिकल पार्टी होगा जो खुद का पार्टी रहते हुए लेकिन अपना बेटा को चुनाव लड़ाता है तो भारतीय जनता पार्टी के मैदान में चुनाव लड़ाता है, उनके सिंबल से चुनाव लड़ाता है। आज भी उनका बेटा गोरखपुर में चोरी चोरा से चुनाव लड़ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के सिंबल से चुनाव लड़ रहे हैं। आज मैं मानता हूं, एक तो कहीं पे वो जीतेंगे नहीं, अगर 2-4 अगर उनके विधायक जीत भी गए तो उसका विधायक दल का नेता कौन होगा? जब विधायक दल का नेता ही दूसरा होगा तो आपके और हमारे हक अधिकार की लड़ाई नहीं लड़ेगा। आज हमारे पास तो बिहार का भारतीय जनता पार्टी के साथ हमारा सरकार चल रही है, उनके साथ सहयोगी है, उसके बावजूद भी हमने उनको कह दिया
कि हमारा आपसे दोस्ती नहीं है, हमारा दोस्ती तो हमारा निषाद भाई, पिछड़ा भाई, दलित भाई, गोर भाई, तुरहा भाई, हर निषाद के बेटा के साथ है, पिछड़ा समाज से है, क्योंकि उनके हक अधिकार के लिए हमें लड़ाई लड़ना है। लेकिन वो अपने परिवार के लिए लड़ाई लड़ रहा है साथियों, इसलिए आप हर एक निषाद का बेटा को, हर एक पिछड़ा का बेटा को अपने आने वाला पीढ़ी के हक अधिकार के लिए मैदान में उतरना है। और इसलिए आपके भरत जी को यहाँ से भारी मतों से चुन वोट देकर इसको जीत कर भेजे जाए, लखनऊ में जाएंगे, आपके हक अधिकार की बात करेंगे। और ये नाव जो है वो पानी में तो चलता ही चलता है, अभी नए टेक्नोलॉजी के साथ ये नाव को हमने रोड पे भी उतार दिया और आपके क्षेत्र का विकास को लेकर दौड़ेगा और लखनऊ में आपका काम कराएगा। साथियों, आज कुछ साथी को लगता होगा कि इतने बड़े बड़े पार्टी है उससे हम कैसे टकराएंगे, अरे भैया आसान है, आपके पास 15% वोट है और आप 75 साल से आप दूसरे को वोट देते आए हैं और सामाजिक न्याय के लिए आप खड़ा रहते हैं। आप एक एक आदमी, दो दो आदमी का हाथ जोड़िए, पैर जोड़िए, हर गांव में घूम जाइए, हर बूथ पे कब्जा कीजिए और वहां पे हर आदमी को बताइए कि इस बार हमारे प्रत्याशी भरत जी हैं, उनको वोट दीजिए, उनको जिताइए, आपके लिए 24 घंटा हम खड़े रहेंगे। आपको मैदान में जाकर एक एक आदमी के साथ आपको संबंध बनाना है। एक बूथ पर आपको 1800 वोट होता है, अगर 800 वोट है तो वहां पे पोलिंग होगा 500 वोट होगा और 500 वोट में 300 वोट आप अपने पक्ष में करा लीजिए, यानी कि बूथ जीत गए तो विधानसभा जीत जाएंगे। तो इसके लिए मजबूती से आप सबको लड़ाई लड़ना पड़ेगा अपने आने वाला पीढ़ी के हक अधिकार के लिए। आज मैं भी अपने जिंदगी के बेहतर के लिए अगर मुंबई में रहता तो आज बिहार में अपने लोगों के लिए मदद नहीं कर पाता। आज मैं आपके हक अधिकार के लिए मैं उत्तर प्रदेश आया हूँ। क्या मैं विधायक बनने के लिए आया हूँ, क्या मैं मंत्री बनने के लिए आया हूँ, ऑलरेडी मैं बिहार में हूँ, उसके बावजूद भी आपके हक अधिकार के लिए लड़ने के लिए आया हूँ। आज भारतीय जनता पार्टी वाले बोलते हैं कि सहनी जी आप घूमना घूम लीजिए 10 तारीख तक, जितना हमारा विरोध करना कर लीजिए, लेकिन 10 तारीख के बाद हम आपको बताएंगे। हमने उनको बताया भाई क्या बताओगे, आप ज्यादा ज्यादा बोलोगे सरकार से निकल जाइए, तुम कल क्या आज बोलो, हम आज का आज सरकार से निकलने के लिए तैयार है। हमारी लड़ाई है समाज को आगे बढ़ाना, समाज के हक अधिकार के लिए आगे बढ़ेंगे। आज ये जो सरकार है वो आपको भी पता है कि क्या क्या वादा किया था, लेकिन आज क्या क्या वादा पूरा कर रहा है वो आप सबको पता है। आज हमारे भाई नौजवान पढ़ लिख कर घूम रहा है, आज उनको रोजगार की व्यवस्था नहीं कर रहा, ये ऐसी सरकार है। आज 5 किलो चावल बांट रहा है और लोगों को बता रहा है कि हम आप पे मेहरबानी कर रहे हैं कि हम चावल बांट रहे हैं। मैं ऐसे सरकार को बताना चाहूंगा कि ये आप कोई मेहरबानी नहीं कर रहे हैं, ये भारत का संपत्ति है और 135 करोड़ जनता का हक अधिकार है, और आप कोई मेहरबानी नहीं कर रहे हैं कि ये भारतीय जनता पार्टी का चावल है जो आप बांट रहे हैं, ये देश का खजाना का पैसा है और ये जनता के बीच में जा रहा है, तो आप कोई मेहरबानी नहीं कर रहे। आपको पता होना चाहिए ये भी स्वर्गीय श्री रामविलास पासवान जी ने ये योजना लाए थे, जब वो दलित का बेटा, पिछड़ा का बेटा देश में मंत्री थे, खाद्य उपभोक्ता मंत्री, तो देखे कि देश में लॉकडाउन के समय में हमारा दलित भाई, पिछड़ा भाई, निषाद भाई, तुरहा भाई, गौर भाई, ये भूखा नहीं सोए, इसके लिए उन्होंने 5 किलो चावल देने का निर्णय लिया। लेकिन आज श्री स्वर्गीय रामविलास पासवान जी का कहीं पे नाम नहीं ले रहा है और घूम घूम कर कह रहा है कि हम कर रहे हैं। तो साथियों, ऐसे लोगों से दूर रहे और मजबूती से अपने विचारधारा के साथ मजबूती से आगे बढ़ाने का काम करें। आज हम लोग सामाजिक न्याय के साथ चलने वाले लोग हैं, हम लोग श्री लालू प्रसाद यादव जी को मानने वाले लोग हैं, बहन मायावती को मानने वाले लोग हैं, मुलायम सिंह को मानने वाले लोग हैं, और आप सत्ता पावर में आएंगे, आपके हक अधिकार मिलेगा और अपने समाज को आगे पहुंचाने का काम करेंगे। आज मान लीजिए हमने तो 102 जगह प्रत्याशी उतारा, लेकिन सरकार के द्वारा और चुनाव आयोग की मेहरबानी से हमारे 48 प्रत्याशी का नामांकन रद्द कर दिया गया। आज भी हम 54 जगह चुनाव लड़ रहे हैं और मजबूती से आप लड़िए, हमें पूरा भरोसा है कि उत्तर प्रदेश के जनता मालिक ने वीआईपी पार्टी को मजबूती से समर्थन दे रहा है और नाव को लखनऊ तक भेजने का काम कर रहा है। और 2 दर्जन से कम सीट हम उत्तर प्रदेश में जीतने के लिए नहीं जा रहे हैं। जिस तरीके से हम बिहार में सरकार का किंग मेकर है, उसी तरीके से आपकी पार्टी उत्तर प्रदेश में भी सरकार का किंग मेकर बनने का काम करेगा, इसलिए मजबूती से वीआईपी पार्टी के साथ रहिए। आज बिहार में हम एक से एक योजना चला रहे, खास करके निषाद भाई, तुरहा भाई के लिए, मछुआरा भाई के लिए, वहाँ पे अगर 10 लाख रुपए का गाड़ी चाहिए तो सिर्फ सरकार को 1 लाख रुपया ही आपको भरना है, 9 लाख रुपया सरकार को भरना है, ताकि आपको 4 चक्का गाड़ी मिल जाएगा, आप मछली मार के बाजार में बेचने का काम कर सकते हैं। आज पूरे बिहार में 100 करोड़ रुपया खर्चा करके
मछली बाजार बनाने के लिए जा रहे हैं। आज बिहार में हर एक गरीब परिवार को, किसान को हम लोग 4 पशु दे रहे हैं, जिसपे 90% तक अनुदान है। 3,34,000 रुपए में सिर्फ 34,000 रुपए आपको भरना है, 3,00,000 रुपए सरकार देगा। 4 पशु लाइए, अपने घर को चलाइए, इस तरीके का योजना हम चला रहे हैं। तो बहुत सारे योजना हम लोग चला रहे हैं कि खास करके समाज को आगे बढ़ाने के लिए। और मजबूती से आज हम लोगों का लड़ाई है कि हम सब समाज, चाहे वो निषाद हो, मल्ला हो, बिंद हो, केवट हो, राजभर हो, चौहान हो, या प्रजापति हो, या गौर हो, हम सब एक ही हैं। और मजबूती से अपने सम्मान के लिए आने वाले समय में हम लोगों को लड़ाई लड़ना है। इसलिए आशा विश्वास के साथ हम आपके बीच में आए हैं। और खास करके हमें यहाँ पे पता चला है कि हमारे कुछ गौर भाई को, तुरहा भाई को, धनगर भाई को, सोनकर भाई को आज जाति प्रमाण पत्र उनको नहीं मिल रहा। तो निश्चित तौर पे इसके लिए भी हम पहल करेंगे, सरकार को सिस्टम को लिखेंगे। और हमारे आपके प्रत्याशी भरत जी जब जीत के जाएंगे तो मजबूती से इसके बारे में चर्चा करेंगे और ये हम लोग कराएंगे। और ये तो आपका अधिकार है, लेकिन कहीं ना कहीं ये सरकार नहीं सुन रहा, इसलिए आज कहीं ना कहीं 4 साल से आप लोग भटक रहे। ये तो आप लोगों का अधिकार है और चुनाव के बाद मजबूती से आपके हक अधिकार के लिए हम लड़ाई लड़ेंगे। जब धरना पे भी बैठने की बात होगा तो हम बिहार से एक मंत्री आएगा और आपके सरकार के बीच में धरना पे बैठेंगे और आपके लिए हम काम कराने के लिए जाएंगे। इसलिए साथियों, आगे भी कई जगह कार्यक्रम है। पार्टी के सभी शुभचिंतक और भरत जी के सभी साथी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि बहुत ही अच्छी तरीके से, व्यवस्थित तरीके से आपने कार्यक्रम किया। बहुत बहुत धन्यवाद। और मजबूती से 7 तारीख को वोटिंग होना है और 9 छाप पे बटन दबाकर और इसको लखनऊ में भेजने का काम कीजिए। आपके हर समय पे हम एक नमल्ला का बेटा वादा करते हैं कि आपके बीच में रहेंगे और आपके कल्याण के लिए हमेशा लड़ाई लड़ते रहेंगे, काम करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। हाँ, निश्चित तौर पे। अरे जीतने के बाद तो आपके बगल में हम तो रहते हैं, जब चाहेंगे तब उड़ के हम आपके पास आ जाएंगे। तो निश्चित तौर पे गरीब का बेटा, पछवाड़ा का बेटा, जब हम मुंबई के ऐशोआराम जिंदगी छोड़कर अपने लोगों के लिए लड़ाई लड़ने लगे तो फिर आज आप इस तरीके की बातें तो बिल्कुल ही सोचने भी असंभव है। क्योंकि लोग कहते ना, अपने दिल से जानो पराए दिल का हाल। ये जो भूख में बैठे हैं वो हमारे परिवार है। लोग कहते हैं कि मुकेश सहनी जाति बात करता है, जातिवाद नेता है। हम जातिवाद नेता नहीं है। ये जो मैदान में है ये हमारे लिए जात नहीं है, ये हमारे लिए परिवार है और इनके लिए हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो क्या मैं आप लोगों से आज सुनिश्चित करूं कि आप लोग निश्चित तौर पे आप भरत जी को जिताएंगे और इसको लखनऊ भेजेंगे, तो क्या मैं इसको जीत का माला पहना दूं? देख लीजिए, आप लोगों ने हाथ उठाया और आप लोगों ने आश्वस्त किया कि हम जीत के लखनऊ भेजेंगे, तो मैं अपना ताज भरत जी को पहना रहा हूँ। सन ऑफ मल्ला का ताज तो ख्याल रखिएगा और मजबूती से एक एक जगह बूथ पे पहुंच जाइए, हर जाति धर्म को हाथ जोड़िए, पैर जोड़िए और अपने प्रत्याशी के लिए वोट मांगने का काम कीजिए। तो मैं इनको जीत का माला पहनाता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार साथियों, एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आप लोगों को देने के लिए आया हूँ। लखनऊ के अंदर मात्र 600 रुपये से 1200 रुपये स्क्वायर फीट के बहुत सस्ते प्लॉट और जिस रेंज में आप लोग चाहें और जितने क्षेत्रफल के आप लोग चाहें, चाहे 600 स्क्वायर फीट हो, 800 हो, 1000 हो, बहुत सस्ते दामों में लखनऊ के अंदर आप लोगों को मिल रहे हैं। जल्दी से अपना फ़ोन उठाइए और इस नंबर पे फ़ोन करिए जो डिस्प्ले हो रहा है, कहीं ये मौका आप लोगों के हाथ से छूट ना जाए। और फिर मौका अगर एक बार आप लोगों के हाथ से छूट गया तो बहुत सारी चीज़ें छूट जाएंगी। तो देर मत कीजिए, जल्दी से अपना फ़ोन उठाइए और इस नंबर पर संपर्क कीजिए। धन्यवाद।